ढाबा स्टाइल की चने की दाल बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पे मैंने हाफ केजी के करीब दाल ले ली है और इसको मैंने 2 घंटे के लिए डिप कर दिया था। अभी मैं दाल को बॉईल करने के लिए इसको प्रेशर लगाऊंगी 10 से 12 मिनट के लिए। तो हाफ टी स्पून के करीब इसमें मैं नमक शामिल कर रही हूँ और हाफ टी स्पून ही इसमें हम डालेंगे हल्दी। तो अभी जल्दी से इसको मैं प्रेशर लगाती हूँ और अभी जब ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती है, गल जाती है, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ और उसके बाद फिर अगला स्टेप जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम चने की दाल के लिए एक मज़ेदार मसाला जो है वो तैयार कर लेते हैं। तो 5 से 6 टेबलस्पून के करीब यहाँ पे मैंने ऑयल ले लिया है। इसमें 1/2 टीस्पून के करीब मैं डालूँगी साबुत ज़ीरा, कड़ी पत्ता और यहाँ पे मेरे पास अदरक, लहसुन, सब्ज़ मिर्च और कुछ लाल मिर्च मैंने ली हैं, उनको मैंने दरदरा जो है वो पीस लिया है, ये इसमें शामिल कर देती हूँ और इसको थोड़ी देर के लिए ऑयल में टटकने देते हैं। यहाँ पे मैंने दरमियाने साइज़ के 2 प्याज लिए हैं, उनको मैंने इस तरह से बारीक जो है वो पीस लिया है। तो प्याज फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने बारीक पीसा है ताकि इसका मसाला जो है वो अच्छा तैयार हो सके। तो चलिए जी, अभी हम यहाँ पे प्याज को हल्का सा जो है वो ब्राउन होने देते हैं। तो यहाँ पे देखें जी, प्याज को मैंने हल्का सा जो है वो ब्राउन कर लिया है। तो अभी यहाँ पर मेरे पास 2 अदद बड़े साइज़ के टमाटर थे तो इसको मैंने बारीक काट लिया है, ये इसमें शामिल कर देते हैं। इसमें मैं शामिल करूंगी 1/2 टीस्पून के करीब लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी और 1/2 टीस्पून ही इसमें हम शामिल कर देंगे नमक। और नमक और हल्दी हमने ऑलरेडी जब चने की दाल को हमने बॉईल करना था उसमें हमने शामिल की थी, इसीलिए अब यहाँ पे नमक आप थोड़ा टेस्ट करके फिर इसमें शामिल कीजिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं सिर्फ थोड़ी देर के लिए इसको कवर करूँगी ताकि टमाटर थोड़े सॉफ्ट हो जाएँ और उनका पानी जो है वो निकल आए। तो यहाँ पे देखिए जी, मसाला जो है वो बहुत अच्छा रेडी हो गया है, ऑयल भी जो है वो मसाले से बाहर निकल आया है। तो स्पेशला की मदद से हम हल्का सा टमाटर को जो है वो पीस लेते हैं क्योंकि देखिए ये सॉफ्ट हो गए हैं तो बहुत अच्छे तरीके से जो है ये मैश होना शुरू हो गए हैं। तो मसाले की खुशबू भी जो है वो बहुत अच्छी आना शुरू हो गई है। तो अभी यहाँ पर फ्रेंड्स जो दाल मैंने बॉयल करके रखी है ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी, इसका पानी भी इसके साथ ही हम इस तरह से इसमें शामिल कर देंगे। तो अभी यहाँ पे कुछ मसाले जो है वो मैं शामिल कर देती हूँ। 1/2 टीस्पून के करीब काली मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून के करीब ही इसमें डालेंगे हम चिली फ्लेक्स। तो चलिए जी, इसको हम मिक्स करते हैं और इसको कवर कर देंगे और इसी पानी में जो है वो हम इसको पकने देते हैं। और जैसे ही ये थोड़ा सा ड्राई हो जाता है पानी इसका, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारी ढाबा स्टाइल चने की दाल जो है वो कैसी बन रही है। तो ये देखें जी, यहाँ पे मज़ेदार ढाबा स्टाइल हमारी चने की दाल जो है वो तैयार हो गई है। तो फ्रेंड्स अभी काम यहीं पे ख़त्म नहीं होता, तो अभी हम इसको मज़ेदार देसी घी का जो है वो तड़का लगाएंगे और उसके बाद फिर इसको गरम गरम जो है वो सर्व करेंगे। तो अभी यहाँ पे हम दाल के लिए एक मज़ेदार तड़का जो है वो तैयार कर लेते हैं। तो 2 टेबलस्पून के करीब इसमें मैंने ऑयल लिया है और 2 टेबलस्पून के करीब ही मैं इसमें देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स ये वो देसी घी है जो मैंने घर पर ही तैयार किया है, इसकी वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। तो इसमें शामिल करेंगे 2 से 3 कलियाँ लहसुन की, 1/2 टीस्पून के करीब ज़ीरा, तो इसमें डालेंगे जी कुछ लाल मिर्च और सब्ज़ मिर्च, 1/2 टीस्पून के करीब इसमें डालेंगे पेपरिका कलर के लिए और हरा धनिया। तो चलिए मज़ेदार तड़का हमारा तैयार हो गया है। तो जी फ्रेंड्स ये देखें जी, हमारी मज़ेदार ढाबा स्टाइल चने की दाल जो है वो तैयार है। तो फ्रेंड्स घर पे ही हमने मज़ेदार जो है वो दाल तैयार कर ली है, कोई भी ज़्यादा मसालों की ज़रूरत नहीं थी। तो अगर ये मेरी मज़ेदार रेसिपी आपको पसंद आई है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोबारा मिलूंगी एक और मज़ेदार रेसिपी लेकर। खुदा हाफिज़।